नमस्कार। ओयम जी को रिलीज हुए लगभग 12 साल गुजर चुके हैं, लेकिन पूरे समाज के जनमानस से उसका प्रभाव कहीं पे भी थोड़ा भी कम हुआ है ऐसा नहीं लगता है। 11 साल पहले जो भी उन्होंने धर्म के प्रति प्रश्न उठाए थे वो अभी भी उतने ही अनुत्तरणीय है, लेकिन धर्म को पूरी तरह से खुले आंखों से देखने की जो कल्पना उस फिल्म में कही गई थी, जिनको आज समाज में थोड़ी भी कीमत नहीं है, वो भी धर्म के ऊपर नाजायज से सवाल कर रहे हैं। उस फिल्म को तो आपने देख ही लिया होगा, वो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। लेकिन शुक्रवार 11 अगस्त को रिलीज हो चुकी OMG 2 इसी खुशी को दुगुना करने की कोशिश करती है। ऑफिशियली OMG फ्रेंचाइजी का सिक्वेल है, लेकिन OMG 2 के कहानी पात्र पुरानी फिल्म से कुछ भी वास्ता नहीं रखते। अमित राय डायरेक्टर OMG 2 में सेक्स एजुकेशन के ऊपर बहुत बारीकी से प्रकाश डाला गया है। लगभग इसी कारण इस फिल्म के ओरिजिनल प्रिंट में 27 कट सेंसर के लगाए गए हैं। और वहाँ पे तो उन्होंने अपने स्टार्डम का जादू चलाया, लेकिन हिंदू धर्म को उस फिल्म में जितना भी नीचा दिखाने की कोशिश की गई उससे हिंदू धर्म को गालियाँ देने वाले लोगों में बहुत सारा उत्साह भर गया था, और OMG 2 में इसी उत्साह को और भी दुगुना किया गया है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में भगवान शिवशंकर के निस्सीम भक्त कहे जाने वाले क्रांति शरण मुदगल की भूमिका में दिख रहे हैं। ये व्यक्ति दिखने में बहुत ही सामान्य है, लेकिन उतना ही प्रामाणिक भी है। तो दूसरी तरफ वकील कामिनी माहेश्वरी की भूमिका में अभिनेत्री यामी गौतम देखने को मिली है। OMG 2 की कहानी लगभग इन्हीं तीन पात्रों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। इनके जीवन में सेक्स फैक्टर से रिलेटेड जो भी बातें घटती है, इस फिल्म का मेन फोकस इन्हीं बातों के ऊपर है। एक मिडिल क्लास लेकिन क्रांति मुदगल की उतनी ही सुखी फैमिली में इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। हमें उस किरदार की भगवान शिव के प्रति कितनी जबरदस्त आस्था है, इस शुरुआत के ही कुछ सीन्स द्वारा दिखाया गया है। क्रांति मुदगल के बेटे का एक सेक्स टेप सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, और वहीं पे इस फिल्म में बवाल मचना चालू हो जाता है। लेकिन उस घटना से स्कूल प्रशासन भी अपना पल्ला झाड़ लेता है, उसे स्कूल से निकाल देता है, और इसी वीडियो के कारण समाज भी मुदगल फैमिली को बहुत ही वायद तरह की ट्रीटमेंट देना चालू कर देता है। बार बार हो रहे अपमान से और फैमिली की हो रही बदनामी से तंग आकर मुगदल का बेटा आत्महत्या करने की कोशिश करता है। मानो मुगदल फैमिली की इस कांड से पूरी खुशियाँ छीन गई थी। ऐसे में अपने भक्त को कठिन समय से बचाने के लिए भगवान शिवशंकर अपने एक गन को भेज देते हैं, अपने बेटे का खोया हुआ मान सम्मान वापस पाने के लिए और समाज में सेक्स एजुकेशन की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। मुगदल की तरफ से लड़ने के लिए कोई भी वकील सामने नहीं आता है। आखिर में क्रांति मुगदल ही वकील कामिनी माहेश्वरी से लड़ने के लिए खुद उतर जाता है। इसके आगे की कहानी बताकर मैं तो कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, क्योंकि फिल्म के टीजर ने ट्रेलर ने फिल्म की कहानी की तरफ कोई भी लिंक्स नहीं छोड़े थे, और वो सब बातें बता के मैं आपका मूड कहीं भी खराब नहीं करना चाहता। वैसे तो हाल ही का समय 21st सेंचुरी का है, बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चे तक लोगों को फोन से इंटरनेट से कुछ भी हो इन्फॉर्मेशन झट से मिल जाती है। ऐसे में सेक्स एजुकेशन कितना पावरफुल है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये बातें इस फिल्म द्वारा बताई गई है। लेकिन इसके लिए ये जो इन्होंने धर्म का सहारा लिया है, ये बात कहीं भी ठीक से जचती ही नहीं है। हालांकि फिल्म की कहानी का बढ़िया फाउंडेशन हाल ही के समय को शूट होते हुए चटपटे संवाद और एंटरटेनिंग और इंगेजिंग क्लाइमैक्स का सीन फिल्म को कहीं भी बोरिंग नहीं लगने देता है। OMG 2 का फर्स्ट हाफ बहुत ही एंटरटेनिंग है, फिल्म से आपको बांधे रखता है, लेकिन इंटरवल के बाद में फिल्म थोड़ी सी स्लो पड़ती हुई नजर आती है। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको किसी हद तक ही एंगेज कर लेता है। हालांकि OMG 2 उसके तगड़ी स्टारकास्ट की वजह से ही चर्चा में आना चाहिए था, लेकिन फिल्म की कहानी ने सेक्स कंटेंट ने फिल्म के प्रति बहुत सारे मायने बदल दिए हैं। फिल्म में इतने सारे तगड़े कलाकार होने के कारण फिल्म में अभिनय बहुत ही अच्छा निकल कर आया है। पंकज त्रिपाठी ने अपने अभिनय में जो स्टैंडर्ड दिखाए सच में मान गए उनको। यामी गौतम ने वकील की भूमिका में बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया अभिनय किया है, लेकिन जिन जिन लोगों ने अक्षय कुमार की पुरानी फिल्म OMG को देखा है वे लोग OMG 2 के कारण बहुत ही निराश हो सकते हैं। भगवान शिव के गन की भूमिका में देखने वाले अक्षय कुमार आपको लाइफ लेसन के बहुत सारे फंडे सुनाते हुए नजर आएंगे। अक्षय की मुंह जबानी बोले गए डायलॉग आपके शरीर के रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म में सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा की गई है। सेक्स एजुकेशन की बातें उतनी ही लेवल तक मायने रखती है जिस तरह से उन्हें
समझ के आगे पेश किया जाता है। लोगों का मन ना होते हुए भी अगर इन्हीं बातों के ऊपर आप रोज उठ के चर्चा करते रहोगे तो इन सारे चर्चाओं में विषय की गंभीरता आपको कहीं भी ठीक से देखने को नहीं मिले। फिल्म के इंटरवल के बाद में जो कोर्ट रूम ड्रामा आता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल कर आया है। OMG की पहली फिल्म में अक्षय कुमार के किरदार के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस दिया गया था, OMG 2 में इस किरदार के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया है। OMG 2 पूरी तरह से पंकज त्रिपाठी के कंधों पर उठाई गई है। पंकज त्रिपाठी को इस फिल्म में अक्षय कुमार से भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार स्क्रीन पर जितनी बार एक दूसरे के आगे आए हैं उनके अभिनय में वो क्लास देखने को मिला है। उनके अभिनय की एक ज़बरदस्त जुगलबंदी देखने को मिली है। फाइनली OMG के पहली फिल्म में मनोरंजन कॉमेडी और सीरियसनेस का जो संगम देखने को मिला था, OMG 2 में इन सभी बातों का पूरी तरह से अभाव देखने को मिला। सेक्स एजुकेशन को धर्म से जोड़ने का कौन सा मतलब बनता है, ये आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताएं। पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम और अक्षय कुमार इन लोगों के अभिनय के आप अगर ज़बरदस्त फैन हैं तो ये फिल्म को आप एक बार अवश्य देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैंने तो अपनी बात रख दी है, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।